ट्रिप में जाने के लिए ये जो कपड़े हैं इनसे 4 दिन का काम निकल ही जाएगा। पापा मैं रेडी हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? वो हम लोग फैमिली ट्रिप में जा रहे हैं। अच्छा तो फैमिली का लगेज आपके पास ही है क्या सारा? ये फैमिली का नहीं है, ये मेरा अकेले का है। उसमें से भी ना मेरा नाइट सूट और मेरी पीच क्या घर पे रह गई। अरे ये अनिशा नंबर टूटना क्यों रो रही है? अरे वो ना ट्रिप का कुछ सामान भूल गई थी इसलिए रो रही है। अगर आप इनकी तरह नहीं रोना चाहते ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपसे ट्रैवल से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जो आपके बहुत काम आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करोगे ना तो आपकी एक ट्रिप तो इस साल पक्का, मतलब जाते जाते आपकी एक ट्रिप पक्का लगेगी, मतलब आपको लालच दे रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि जब मैं ट्रिप में जाऊंगी तो मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स अपलोड करूंगी। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो मतलब आने वाले टाइम पर अपनी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उनके बहुत काम आएगा। और मैं जाती हूँ आपके लिए वीडियो की तैयारी करने। अरे अरे यार ये बैग की जिप खराब हो गई, क्या करूं मैं अब? तू परेशान हो रहा है? अरे ये जिप खराब हो गई, अब इस ट्रिप पे हम कहाँ ढूंढे जिप ठीक करने वाला? इतना मत रो, रुक ये ले। अरे आप ट्रिप में कैंडल लेके घूम रहे हो? अब क्या पता कभी भी किसी की भी जिप खराब हो सकती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ट्रैवल करने गए और उस बीच में आपके लगेज का या आपके कपड़ों की जिप खराब हो जाए? तो इसलिए मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ अपने साथ कैंडल को कैरी करती हूँ, ताकि जब भी कोई जिप खराब हो तो उसे मैं तुरंत फिक्स कर दूँ। मजा ही आ गया, बाय गॉड। अब अपने बालों को टाई कर ले, तू मेकअप रिमूव करना। ओह यार ये मेरे साथ क्यों होता है, जब भी पानी में जाती हूँ तो मेरे नेल ब्रेकेज हो जाती है। थैंक गॉड मैंने अनिष्का के लास्ट मिनट ट्रैवल आइडियाज देख लिए थे, नहीं तो मेरे नेल सारे के सारे टूट जाते। तो अगर आप बीचेस घूमने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादातर टाइम पानी में स्पेंड करोगे, एंड कुछ लोगों के नेल्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं जो पानी के कांटेक्ट में आते ही ब्रेक होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक एक करके हमारे सारे नेल्स टूट जाते हैं। तो हमेशा इस तरीके से अपना नेल बफर कैरी करके चलो, ताकि आपका नेल अगर टूटने वाला है तो आप उसे तभी के तभी बफर से फिक्स कर सको। दी मम्मी पूछ रही है पैकिंग हो गई? हाँ मेरे कपड़े पैक हो गए हैं, बस 3-4 जोड़ी अपने फुटवेयर भी पैक करने हैं। 3-4 जोड़ी लेके जाओगे आप? और नहीं तो क्या, हर आउटफिट से मैचिंग फुटवेयर होना चाहिए ना। अरे दीदी इतने की फुटवेयर पैक कर रहे हो, आपका लगेज हैवी हो जाएगा। क्या तो तू सही रहा है, पर मैं से क्या चीज पैक करूँ जो सबके साथ इजीली पेयर हो जाए? तो ऐसे फुटवेयर पैक करो ना जो आपके हर आउटफिट पे इजीली मैच हो जाए। ये तूने सही बोला, मैं एक स्नीकर और एक ऐसी फुटवेयर पैक करती हूँ जो मेरे हर आउटफिट के साथ पेयर हो जाएगी। थैंक यू यार, तेरे में भी बहुत दिमाग है। संदेश ने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया, जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा हम अपने आउटफिट से मैचिंग के फुटवेयर्स कैरी करें, तो हम ऐसे भी तो फुटवेयर्स कैरी कर सकते हैं जो थ्रू आउट दी ट्रिप हमारे हर आउटफिट में इजीली पेयर हो जाए। पैकिंग कंप्लीट। वाओ ये बीच कितना ब्यूटीफुल है। हाँ पर आपकी सफर बहुत बुरी लग रही है, तेल से भरी हुई। तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है? भाई जो आपने धूप में घूम घूम कर अपने मेकअप का हाल बना रखा है ना। तो यार इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। अब क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है यानी कि नॉर्मल टू ऑयली, तो मुझे पता था जैसे ही मैं सन के कांटेक्ट में आऊंगी तो मुझे स्वेट जरूर होगा, तो इसलिए मैंने अपने बैग में ब्लोटेड शीट कैरी करी थी। ये ब्लोटेड शीट हमारे फेस से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा फेस ऑयल फ्री बन जाता है। नेक्स्ट
आइडिया मेरी जैसी लड़कियों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए नहीं, उन लड़कियों के लिए जो हर वक्त अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो मैं अपने स्किन केयर के बिना तो कहीं भी जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मेरी स्किन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी स्किन, मेरे बाल। तो इसलिए मैं अपना स्किन केयर, अपना हेयर केयर कैरी करूंगी। बट मैं इतने बड़े जार्स तो लेके नहीं जा सकती, तो मैंने आप लोगों से अपने मिनीसो हॉल में शेयर किया था कि मैंने ऐसी ट्रैवल किट्स अपने लिए ली थी, सो दैट यू नो मैं कन्वीनियंटली अपने सारे प्रोडक्ट्स इसमें ट्रांसफर करके ट्रैवल के लिए जा सकूं। पिछली बार मैं गोल्डन टेंपल और पंजाब घूमने जा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रिप कैंसिल हो गई थी। तो फाइनली मेरी ट्रिप जब कंफर्म हो गई, तो मैं इनमें अपने प्रोडक्ट्स कैरी करके लेके जाऊंगी। ये बहुत ही इजी टू कैरी है, आप आराम से सारे प्रोडक्ट्स इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, और जब आप ट्रैवल के लिए जाओगे तो आप इसको यूज भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको Amazon, Miniso या फिर आपके नियर बाय स्टोर्स में भी मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ के बीचेस बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया, और मैंने यहाँ पे लंच में काफी अच्छी अच्छी चीजें भी ट्राई करी थी। गाइस ये कहीं नहीं गए, झूठ बोल रहे हैं, ये 2 दिन बाद इनके फ्लाइट है, जल्दी सेंड करो। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक कर देना, इससे मेरी पोर खोल दी, बट कोई बात नहीं। और इस वीडियो को शेयर भी करना अगर आप इस साल गोवा या फिर किसी भी बीच पर अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। भले ही मैं 2 दिन बाद जा रही हूँ घूमने, लेकिन पिक्चर्स तो अपलोड करूंगी ना ऑब्वियसली बीचेस की। तो मैं मिलती हूं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कुछ नहीं है, ये बीच अच्छा लग रहा था ना।